दोस्तों एक बार फिर से मैं आकाश जी के साथ हूँ, जो कि फिर से हम नेक्सॉन में बैठे हुए हैं ईवी मैक्स के अंदर। तो आकाश जी, अपनी गाड़ी के बारे में मैं चाहूंगा कि आप दर्शकों को बताओ कुछ ऐसी बातें जो आपको सबसे ज्यादा अच्छी लगती है नेक्सॉन ईवी मैक्स की। पहली चीज तो है इसका साउंड सिस्टम है जो कि अच्छा है। नेक्स्ट थिंग है वेंटिलेटेड सीट्स है, जो अभी अक्टूबर हीट आएगा बेसिकली। सो नॉर्मल जो गाड़ी का एसी है फ्रंट से, वो इतना पावरफुल काम नहीं करता है। सो अगर काम भी कर रहा है तो पीछे से जो पसीना आता है पीठ को, वो वेंटिलेटेड से चले जाता है आराम से। लेदर सीट से तो फिर ज़्यादा इशू होता है। और इशू होता है बराबर, क्योंकि लेदर स्टिक होता है बेसिकली स्किन को। नेक्स्ट थिंग है ये जो नॉब दिया है कंपनी ने, क्योंकि ये सेगमेंट में फर्स्ट है, जो डिजिटल आता है वो कंपनी सेगमेंट में फर्स्ट दिया है। नेक्स्ट थिंग है इसका स्पोर्ट्स मोड। स्पोर्ट्स मोड में तूफान भागती है गाड़ी, क्योंकि अभी जो स्पीड दिया है कंपनी ने 160 लिमिटेड दिया है, पर अगर स्पोर्ट्स मोड में अगर इसको भगाए तो देखते देखते 120 टच कर जाती है। अच्छा, और बहुत रैपिड मतलब पकड़ लेती है, बहुत जोर से, बहुत रैपिडली पकड़ लेती है। नेक्स्ट थिंग आता है इसका ग्राउंड क्लियरेंस। ग्राउंड क्लियरेंस जो है, अगर आप थोड़े रूरल एरियाज में रहते हो जहाँ पे रास्ते अच्छे नहीं है, पॉटहोल्स ज्यादा है, सो वहाँ पे इसका यूज परफेक्ट है, क्योंकि लगती नहीं है। अराउंड इसका ग्राउंड क्लियरेंस आई थिंक सो सेल्टोस के बराबर दिया हुआ है, सो नीचे लगने का कोई चांस नहीं है। और एग्जॉस्ट नहीं है, इसके वजह से पूरा नीचे का स्पेस फ्री मिलता है। पर माइनस पॉइंट क्या है उसका, नीचे बैटरी फ्लोर माउंटेड है, सो उसका थोड़ा ध्यान देना पड़ता है। अच्छा, आपने बोला ग्राउंड क्लियरेंस और पॉटहोल्स वगैरह, आपने कभी इस गाड़ी के साथ ऑफरोडिंग ट्राई करी है? नहीं, अभी तक नहीं करी है, बट कर सकते हैं। पर अगर कीचड़ वगैरह होगा तो इशू हो सकता है। अच्छा, किस प्रकार से इशू आपको लगता है कि हो सकता है? व्हील स्पिन। अच्छा, क्योंकि ये फ्रंट व्हील ड्राइव है, तो इसमें ऐसा कुछ फीचर नहीं दिया है कि मतलब ट्रैक्शन कंट्रोल वगैरह? जो अभी जो है वो पंच जो दिया है, पंच जो आती है टाटा, उसमें है ऑफ रोड मोड। सो उसमें क्या होता है बेसिकली, एक व्हील जो है लॉक हो जाता है, सो वो ग्लाइड हो जाती है कीचड़ में से। सो जैसा महिंद्रा देता है उसी प्रकार? यस यस यस। अच्छा, और इसमें मैं यहाँ पर एक बटन देख पा रहा हूँ कि हिल डिसेंट कंट्रोल भी है। या, या। तो ये आपने इस्तेमाल किया है? ये मैंने यूज किया है, जो अभी घाट सेक्शन वगैरह होते हैं, घाट सेक्शन में अगर गाड़ी रुक जाती है हिल डिसेंट ऑन करते तो पीछे नहीं जाता है। अच्छा, तो आपको फिर एक्सेलरेट करना होगा। या। और एक और चीज मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि इसका जो बूट है वो यहाँ पर ओपन करने का बटन दिया है। यस, ये ऑटोमेटिक ओपन होता है? नहीं, मैनुअल है, सिर्फ आपको बटन दबानी है, पीछे जाके खोलो। यस यस एग्जैक्टली। सो यहाँ पर थोड़ी सी पीछे रह जाती है। अच्छा, ये तो हमने जान ली भाई नेक्सॉन ईवी मैक्स के बारे में अच्छी बातें, जिसमें कुछ चीजें गिनाई जैसे वेंटिलेटेड सीट्स, वो सच में बहुत ज्यादा अच्छी है दोस्तों। जब तक आप यूज नहीं करते हो तब तक आपको नहीं पता होता है, मतलब नहीं कर रहे हो तो कैसे ही पता होगा, लेकिन जब यूज करने लग जाओगे ना फिर इसके बिना रहना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। आप बिना वेंटिलेटेड सीट्स की लेदर सीट्स पर बैठ जाओ और जो पीठ गीली होती है गंदी गीली वो बहुत बुरी लगती है। साथ ही इसका जो डैशबोर्ड वगैरह ने उन्होंने टायर वगैरह सेट कर रखा है, बहुत प्यारा सा लगता है, तो एक रिच फील आपको जरूर दे देती है नेक्सॉन। एब्सोल्युटली। जितना भी मतलब अगर कंपेयर करें आज से 5 साल पहले जो टाटा की कंपनी थी उसके मुकाबले उन्होंने डिजाइनिंग बहुत बहुत चेंजेस आए टाटा में। पहले टाटा हुआ तो हेवी में आता था टाटा, और मैक्स टू मैक्स चलती थी वो इंडिका या सफारी, पर बाद में जो अभी हैरियर से कंपनी ने लॉन्च किया है वो पूरा कंपनी ने डिजाइन चेंज किया है। सो अभी जो नॉब मैंने आपको बताया वो पूरा जैगुआर से इंस्पायर्ड है। जेएलआर जब से मिला है तब से इन लोगों ने मतलब अपनी डिजाइनिंग को काफी अच्छा इम्प्रूव किया है बेसिकली। यही चीज हम देखते हैं कि पेट्रोल वेरिएंट होता है ना नेक्सॉन का, तो उसके टॉप एंड वेरिएंट में भी यहाँ पर दरवाजे पर आपको कपड़ा वपड़ा लगा मिलता है जो कि समय के साथ गंदा हो जाता है। यहाँ पर ईवी मैक्स में इन्होंने ये चीज कर दी, यहाँ पर कपड़ा डाला ही नहीं है, मतलब पूरा लेदर लगा दिया है और वही अपना जो ये पियानो ब्लैक यूज करते हैं उसके हिसाब से। और बिल्ड क्वालिटी में तो सोचना पड़ता ही नहीं है इस गाड़ी में, टाटा है, नेक्सॉन ने पहले ही इतना मतलब स्टार कमा लिए हैं कि सोचने वाली बात ही नहीं है। अच्छा, लेकिन फिर भी हर इंसान को अपनी गाड़ी पसंद बहुत ज्यादा होती है, और ले ली है तो फिर तो अच्छी है ही, है ना, मतलब उसके बाद तो तुम कुछ बोलो ही मत। फिर भी मैं चाहूंगा कि आप दर्शकों को बताओ ऐसी कौन सी चीज है जो आपको ना पसंद है या आप सोचते हो कि इम्प्रूव की जा सकती है। ना पसंद है इसका इन्फोटेनमेंट। अच्छा। इन्फोटेनमेंट जो है थोड़ा लैगी है, क्योंकि अगर ब्लूटूथ भी कनेक्ट करते हैं तो जो बेटर क्वालिटी के आते हैं मैसेज आया कुछ आया तो दोनों एक साथ बजते हैं। इसका कैसा रहता है, पहले नोटिफिकेशन का रिंग बजता है, बाद में वहां पर डिस्प्ले हो जाता है। सो वो सिस्टम थोड़ा लैगी है। नेक्स्ट थिंग इज फिटमेंट जो है कोई चीजों में इंटीरियर पे थोड़ा सा है, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हो ये हिलता है। एक्सटीरियर पे कोई कोई चीजों पे जो वेल्डिंग वगैरह के वो मार्क्स हल्के से दिख जाते हैं। अच्छा, क्योंकि जो फिनिशिंग आता है प्रॉपर वो ठीक से दिखता नहीं है, क्योंकि ठीक है थोड़ा नीचे रहेगा तो वी कैन मैनेज, पर जो पीछे का एरो दिया है उसके नीचे का वेल्डिंग मार्क्स दिख जाते हैं। ओके, सो आप सजेस्ट करोगे टाटा को ये बात कि भाई या थोड़ा सा जो फिटिंग है वो थोड़ा इम्प्रूव करे। नेक्स्ट थिंग इज जो इंटीरियर का कलर है वो गंदा हो जाता है जल्दी। हाँ, तो ये व्हाइट ना करके ब्लैक भी हो सकता था।
अगर ये पूरा ब्लैक बेसिकली डार्क एडिशन में प्रोवाइड करती है सो उसके लिए थोड़ा एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है. इसमें डार्क एडिशन अवेलेबल नहीं था सो उसका इश्यू था क्योंकि जो बेज कलर है वो टाइम के साथ खराब होगा. अगर बारिश है थोड़ा पैर लग गया तो डार्क दिखता है बेसिकली वैसा ही. सो क्लीनिंग का थोड़ा इशू होता है. सो आपने जो फिटमेंट की बात बोली दोस्तों, आप सभी को मैं पहले भी बता चुका हूँ जब भी गाड़ियों में मैं जाता हूँ टाटा की, सो यार आप बना उसी प्राइस उसी बजट की गाड़ी रहे हो और बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छी दे रहे हो. आप कह रहे हो बिल्ड क्वालिटी अच्छी है, सेफ्टी वगैरह सब कुछ अच्छी है, लेकिन छोटी मोटी चीज़ें ना, अब ये लाइट अगर यहाँ लगाए थोड़ा भी हिल रहा है तो 22 लाख की गाड़ी खरीदी है भाई, मुझे नहीं अच्छा लगेगा ना. ये आप यहाँ पर देखोगे थोड़ा सा अगर पतरा हिल रहा है, मतलब एक्चुअली टाटा का पतरा हिलता नहीं है, बट फिर भी छोटी मोटी फिटमेंट की जो चीज़ें वो गंदी लगती हैं, बेकार लगती हैं, छोटा सा वेल्डिंग दिख जाता है तो बड़ा दुख सा होता है. सो ये चीज़ों पर जैसा आकाश जी ने बोला थोड़ा सा काम किया जा सकता है. दूसरा एक जो इंफोटेनमेंट आपने बोला लैगी है, ऊपर से स्क्रीन भी छोटा है, स्क्रीन छोटा है बराबर. तो ये थोड़ा बड़ा किया जा सकता था. एक और चीज है जो एसी हम यूज करते हैं, हमें आदत होता है यहाँ पे देखना. हाँ. वो यहाँ पे देखना पड़ता है क्योंकि यहाँ पे पूरा ब्लैंक है. ओ, तो यहाँ पर इन्होंने एसी की जो जगह है वहाँ पर कोई स्क्रीन ही नहीं दिया है, मतलब यहाँ पर कोई इंडिकेशन नहीं मिलेगा आपको, सब कुछ आपको ऊपर ही देखना है. सो एक प्रकार से कहा जाता है ये थोड़ा सही भी है कि समय के साथ आप सीख जाओ और ऊपर ही देखो, ऊपर ही देखो बराबर है, पर आदत है नीचे देखना. एसी यूज कर रहे तो वही पे, अगर नीचे घुमा के ऊपर देख रहे हो तो प्रॉब्लम हो सकती है. ये चीज है कि आप यहाँ पर हाथ चला रहे हो और इधर देखना पड़ रहा है तो वो लुकिंग लंदन टॉकिंग टोकियो हो जाएगा. सो ये कुछ चीजें हैं दोस्तों जो कि एक नेक्सॉन ईवी मैक्स ओनर को अच्छी या बुरी लग सकती है. सो मैं चाहूंगा कि आप लोग भी कंसिडर करें, और अगर इन सब चीजों से जो बुरी लगी उनसे फर्क नहीं पड़ता, जो अच्छी लगी है वो बहुत ज्यादा पसंद है, तो नेक्सॉन ईवी मैक्स बिल्कुल ली जा सकती है. अगर आप लेने वाले हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना, और अगर इसके अलावा भी आपके पास कोई सुझाव है टाटा के लिए तो वो भी यार कमेंट सेक्शन में लिख देना. आकाश भाई से कोई क्वेश्चन है तो बिल्कुल लिख देना, मैं इनको पर्सनली पूछ करके आपको आंसर कर दूंगा. सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. धन्यवाद.